एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, यदि एक राह का जो पत्थर कहते हैं रोड के आसपास हमने देखा होगा तो माइलस्टोन उसको कहा जाता है, लेकिन यदि हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, एक हिस्ट्री में कि जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो है, डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश ऑन 4 जुलाई 1776 में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जब वहाँ पे वेन अमेरिका क्लेम इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन, जब अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ादी के लिए क्लेम किया था। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कम टू फोर्स इन 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, बाय द प्रोवाइडिंग फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक, और वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी इन 1791। देखिए जब यहाँ पे 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय के दौरान की बात है। इन 1791 द स्टेट ऑफ वर्जीनिया रेटिफाइड द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट फॉर द यूनाइटेड, और वर्जीनिया में पहली 10 अमेंडमेंट हुआ था, वहाँ पे संशोधन हुआ था पहले 10 स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस वॉज नोन एज द बिल ऑफ राइट, और यही कहलाता बिल ऑफ राइट। इट ग्रांटेड राइट इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें ग्रांट की गई थी। इट ग्रांटेड राइट इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड स्पीच, फ्री प्रेस, फ्री असेंबली एंड फ्री एसोसिएशन, ये कुछ प्रोमिनेंट बातें उसमें बताई गई थी। उस बाद देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब हम बात करें, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। 1789 इंस्टेड इज लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, और हालांकि इसका बेसिक जो प्रिंसिपल था वो डेमोक्रेसी ही रहा था। देर आफ्टर सेवरल रिवोल्यूशंस ब्रोक आउट इन द यूरोप, उसके बाद बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे किंगडम्स में बहुत सारी रिवोल्यूशंस होने लगी, एज द पीपल डिमांडेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म देयर रूल्स। न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट नेशन टू अचीव यूनिवर्सल सफ्रेज, और न्यूजीलैंड जो है हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में कंट्री है, तो वो पहला एक ऐसा था। ओके, न्यूजीलैंड जो है पहला ऐसा नेशन था जिसने यूनिवर्सल सफ्रेज अचीव किया था। इन द 20th सेंचुरी मेनी मोर कंट्रीज गेन फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखिए 20th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की थी। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, एंड डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट था वो अडॉप्ट करेंगे। इंडिया विच वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी गेन फ्रीडम इन 1947 एंड इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वो इंडिया जो है उसने भी 1947 में ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की और विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बना। अब देखिए यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका में है, ये इज अ कोलोसल स्कल्पचर। देखिए कोलोसल स्कल्पचर है, ठीक, मूर्ति ही है, ऑन द लिबर्टी आइलैंड इन न्यूयॉर्क हार्बर। देखिए न्यूयॉर्क हार्बर में है ये, लिबर्टी आज़ादी के लिए जो है एक तरह से सिंबल है। द स्टैचू आर गिफ्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये एक स्टैचू है, गिफ्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को मिला है फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, और पीपल जो फ्रांस के पीपल उनकी ओर से। इज अ रॉब्ड फीमेल फिगर है, और ये एक फीमेल फिगर है, एक औरत का फिगर है, एंड विच रिप्रेजेंट लिबरेट। ठीक है, जो अपने आप को लिबरेट रिप्रेजेंट कर रही है, आज़ादी है पूरी तरह। द रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम है, कि रोमन गॉडेस है, ठीक है, रोम की जो गॉडेस देवी है फ्रीडम आज़ादी है। शी बियर अ टॉर्च एंड टबुला, ठीक है शी बियर अ टॉर्च एंड टबुला अंसता अ टेबलेट इवोकिंग द लॉ अपॉन विच इज इंस्क्राइब द डेट ऑफ अमेरिका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और उस पर बता रखा है कि अमेरिका को किस तरह किस दिन आज़ादी मिला था, पूरा बता रखा उसमें। एंड ब्रोकन चेन लाइज एट हर फीट, और वहाँ पे उसके पैरों में एक टूटी हुई चेन है खड़ी जो आज़ादी का एक सिंबल बता रही है। द स्टेच्यू हैज़ बिकम आइकॉन ऑफ द फ्रीडम ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डिफरेंट सिस्टम गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज के समकालीन विश्व में बहुत सारी कंट्री हम देखें आज डेमोक्रेसीज हो गई। ठीक है, बहुत सारी कंट्रियाँ डेमोक्रेसीज हो चुकी हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी टूडे, आज बहुत से प्रकार के डेमोक्रेसी कंट्रीज है टूडे, बट डेमोक्रेसी इज मेनली योर टू टाइप। देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी दो प्रकार की देख सकते हैं हम, सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह की डेमोक्रेसी हम देख सकते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कलेक्टिवली मेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्फ। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल कलेक्टिवली कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने लिए। दिस सिस्टम प्रिवेल इन दिस एंशियंट इंडिया, और इस तरह का जो सिस्टम एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत में हुआ करता था, ग्रीक एंड रोम में हुआ करते थे। द एडल्ट सिटीजन असेंबल एंड डिसाइडेड पब्लिक मैटर, और जो एडल्ट सिटीजन होते थे, ठीक है, वही
असेंबल होते थे और डिसाइडेड टू पब्लिक मैटर के बारे में वो डिस्कशन किया करते थे। स्विट्जरलैंड इज द कंट्री विच मेंटेन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इवन टूडे, और स्विट्जरलैंड आज भी एक ऐसा कंट्री जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक अ लॉ ऑन देयर बिहाफ। देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होते हैं कंट्री के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही लॉ बनाते हैं और उनके बिहाफ पर वो अपना जो भी डिसीजन लेते हैं। दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द कंपेटिंग पॉलिटिकल पार्टी इन रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद लगातार इलेक्शन होते हैं, जैसे भारत अपना एक कंट्री एग्जाम्पल है। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही सारे लॉस बनाते हैं, ठीक है, या उसमें अमेंडमेंट करते हैं, या जो भी डिसीजन लेना होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं। अ विनिंग कैंडिडेट हैज टू विन मोर वोट्स देन अदर कैंडिडेट टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कनाडा, द यूएसए, ब्रिटेन एंड इंडिया हैव दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन में इस तरह की डेमोक्रेसी है, एज वेल एज इंडिया में भी है, ठीक है। अगेन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, द फोकस मे बी ऑन स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर्मिंग। देखिए अगेन यहाँ पे यदि रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी देखिए, तो फोकस मे बी ऑन स्ट्रॉन्ग रेसिडेंस फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट फॉर्मिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यूएसए एंड फ्रांस है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, यूएसए और फ्रांस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, वाइल यूके, इंडिया एंड स्पेन हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, रिमेनिंग पॉइंट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।